ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। जयपुर से आ रही है सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों के साथ सीएम की यह बैठक है और इसमें समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें, कलेक्टर और संभागीय आयुक्त इस बैठक में शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री इन सबसे जुड़े हुए हैं और कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों से चर्चा कर रहे हैं। सीएस सुधांशु पंत और विभागों के एसीएस और वित्त, वो भी इसमें शामिल हैं। प्रदेश में योजनाओं को लेकर बात की जा रही है। सीएमओ में इस वक्त यह बैठक चल रही है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सैन इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री दौरे से लौटे हैं, उसके बाद एक कार्यक्रम में व्यस्त रहे, उसके बाद फिर वापस एक और बैठक चल रही है सीएमओ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते ही टेंशन यहाँ पर थी कि आखिरकार अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ था उसको लेकर क्या कुछ फीडबैक है, क्या अपडेट है। हमने देखा था कि जब विदेश दौरे पर 6 दिन पर थे तो उस दौरान भी मुख्य सचिव से वार्ता करते हुए, फोन पर बातचीत करते हुए तमाम चीजों की अपडेट यहाँ से ली गई थी। अब जब प्रवास से वापस लौटे हैं विदेश दौरे से, तो हमने देखा सीएमओ पहुंचे, सीएमओ पहुंचकर वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो बैठक यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ली जा रही है। इसमें एजेंडे और भी कई हैं। अगर खासतौर से देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको लेकर समीक्षा यहाँ पर की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार जो योजना है उसमें कितने लंबित काम जो है वो वहां पर चल रहे हैं, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, अतिवृष्टि की क्या कुछ स्थितियां हैं, बांध है तो बांध की स्थितियां क्या है, कहीं टूटने वाला बांध तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, फुल हो गए हैं जो बांध, उनकी स्थिति क्या, अगर आगे बारिश होती तो उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, फसलों का जो नुकसान हुआ है पिछले दिनों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जहां पर भी हुई है उसको लेकर क्या कुछ फीडबैक। तो ये जो बैठक है ये काफी अहम मानी जा सकती है क्योंकि आज की इस बैठक से पहले फीडबैक लेंगे और उसके बाद में जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कहीं ना कहीं मुआवजा भी जारी होगा। लेकिन कलेक्टर्स के माध्यम से, संभागीय आयुक्त के माध्यम से पहले ये टास्क लोकल स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर तमाम जो चीजें उनको वहां पर दिया जाएगा और उसके बाद ये पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जो यहाँ पर मीटिंग ली गई है एक राहत देने की कोशिश कहीं ना कहीं होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है 6 दिन का हमने देखा विदेश का प्रवास रहा, वहां पर भी देर रात तक के अलग अलग जो प्रतिनिधि रहे उनसे मुलाकात की गई, बैठ के वहां पर दौर चला और अब जब राजस्थान वापस लौटे हमने देखा जब आज जयपुर पहले 12 के 1 बजे के करीब जयपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे, वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ, फिर 2 बजे बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम था, फिर वहां से जैसे ही फ्री होते हैं वो तुरंत राजस्थान की जनता और खासतौर से जिस तरह से परेशान रही अतिवृष्टि इस बारिश के अंदर उनको राहत देने के लिए कदम यहाँ पर बढ़ाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और बिना थके बिना रुके ये बैठक यहाँ पर वापस से लेने के लिए पहुंचे। बहुत शुक्रिया अनंत तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अतिवृष्टि से जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं प्रदेश में उनको लेकर समीक्षा की जा रही है, किस तरह की उनकी रिपोर्ट तैयार हुई है और जल्द से जल्द इस ज्यादा बारिश की वजह से प्रभावित लोगों को मदद कैसे प्रशासन सरकार के जरिए पहुंचाई जाए, सरकार की तरफ से इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है।